पानीपत के गंगापुरी रोड पर स्थित एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। विवाहिता की बहन ने ससुराल पक्ष पर लगाए हैं हत्या करने के आरोप। मृतक विवाहिता दरवाजा बंद कर सोफे पर मृत अवस्था में बैठी मिली। मृतक विवाहिता ने मौत से करीब 13 घंटे पहले टिकटॉक पर बनाया था वीडियो। मृतक की बहन ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। फोन आया मेरे जीजा का, ठीक है, इसने मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि बेबी ने फोन स्विच ऑफ कर रखे हैं। फिर मैंने अपने जीजा के पास कॉल करी, मेरे जीजा ने कहा इसने कुंडे बंद कर रखे हैं चारों तरफ के। मैंने कहा फिर आप मुझे डर लग रहा है अभी, क्या कर दिया उसने ऐसा भी, आप कुंडे तोड़ दो। नू कह रहा नहीं, वो तो हिलने जुलने लग रही है, और ये कहकर नू कह रहा मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, अपने लड़के को लेकर घर चला गया। ऐसा भी कोई इंसान होगा क्या ये बताओ, ऐसा भी इंसान मिलेगा क्या जो अपनी लुगाई को इस हालत में छोड़ कर चला जाएगा घर चैन की नींद सोने के लिए। हमें तो इंसाफ चाहिए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। घटना नहीं मुझे पता, इसने कहा कि कुंडे बंद कर रखे हैं, पता नहीं क्यों कर रखे कुंडे बंद, उल्टी लग रही थी क्या कुछ पता नहीं क्या करा इनके इसके साथ और क्या नहीं करा। हमें तो इन्होंने मार के, हमें तो ये लगता है कि भी इसका तो खून करा है, मेरी बहन का तो कत्ल करा है इन्होंने साजिश के तौर पे। बस आपको कब पता चला इसके बारे में, घटना के बारे में? ये 7:30 बजे पता चली मुझे तो, कि भाई उसने, मैंने अपने जीजा को इतना प्रेशर डाला कि भी दरवाजा तोड़ो, जब इसने दरवाजा तोड़ा जब से तो ये नहीं करने लग रहा था। हाँ जी कुंडा खोल लूं मैं, हाँ मैं ये करूं मैं वो करूं, जब मैंने इसको धमकी दी जब इसने कुंडा खोला, कुंडा खोला तो तोड़ा, मैं नहीं थी, मरी पड़ी थी वो ऐसे बूची हुई बिल्कुल, रात को एकदम तोड़ दिया था उसकी, तो सोफे पे ही पड़ी थी, सोफे पे ही पड़ी थी वो, तो उल्टियां पड़ी थी। काम क्या करती थी लड़की? वो सफाई का काम करती थी घर, उसमें शोरूमों में काम करती थी, बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत ही अच्छी, ऐसी लड़की चाहिए आप पूरे मोहल्ले में पूछ लो, मेरी बहन इतनी अच्छी थी, कोई भी उसमें कोई भी बुराई नहीं कर सकता। हाँ जिम में भी जाती थी, इतनी जिम में भी जाती थी, जिम ज्वाइन कर रखी थी, इतनी जल्दी उसने इतना वेट कम कर लिया अपना, बहुत मोटी थी वो, अब तो इतनी हेल्दी हो गई थी। टिकटॉक पे भी सुनने में आ रही थी? हाँ टिकटॉक पे है वो, आईडी थी उसकी टिकटॉक की। अब हमें तो इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कितने बच्चे थे इसके पास? इसका एक ही लड़का था, दूसरी शादी हुई थी, उसके तीन है, तीन जो पहले मरी। हम तो भैया वो चाहे, मैं मेरी बहन को इंसाफ मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस जो भी है वो सच सामना आ गया उसका, जो भी है जिस वजह से भी उसने ये कदम उठाया या इन्होंने कुछ करा, हम तो इंसाफ चाहिए बस और कुछ नहीं चाहता हमें। झगड़ा वगड़ा भी पहले कभी हुआ है? झगड़ा तो होया, इसके चक्कर थे इतने दुनिया जान के, उन चक्करों के पीछे भी लड़ाई होया करे थी, इसके तो चक्कर थे अपने चाचा की बहू के साथ, कौन थी वो कौन नहीं थी, मेरे पास है वो, कॉल कर रहा था उस बहू को। हमें सूचना मिली थी, बेबी है ये, यहाँ गंगा देवपुरी रोड पे पानीपत में इसकी शादी हुई है, ये मृत अवस्था में थी, तो इसके परिजन आए, उन्होंने आगे दरखास्त दी है भाई हमारी लड़की की मौत पर हमें संदेह है और इसका पोस्टमार्टम कराया जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कार्रवाई होगी वो मिलाई जाए, तो हम उससे पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसका इसकी बेबी नाम है और लगभग 30-32 साल उम्र है। सर घरवाला जो से क्या काम करता है? हाँ जी घरवाला जो से कुछ क्या काम? घरवाला वही काम करता है मजदूर। तो अभी क्या कार्रवाई हुई इस पर? अभी इसका पोस्टमार्टम करवाने जा रहे हैं, तो बाद पोस्टमार्टम करवाने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई मिल जाएगी। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।